में बात करेंगे हमारे सिक्स मेन टॉपिक एम्फीबॉलीपैथ पे। ग्लूकोज इज द फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। जितने भी सभी कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो आमतौर पे फर्स्टली कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए यूज होने से पहले सभी कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं पहले, और जो बाकी सबस्ट्रेट्स है वो कैन ऑल्सो बी रिस्पायर्ड बट दे डोंट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। जैसे फैट्स है, अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट वुड नीड टू ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। फैट को पहले ब्रोकन डाउन होना पड़ता है ग्लिसरॉल फैटी एसिड में। अगर फैटी एसिड जो है वर टू बी रिस्पायर्ड दे वुड बी फर्स्ट बी डिग्रेडेड टू एसिटाइल को ए, फिर वो एंटर कर सकता है पाथवे में। और ग्लिसरॉल जो है वो एंटर करती है पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल। और प्रोटीन भी क्या करते हैं, जैसे मैंने फैट्स के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट्स के भी बारे में बता दिया। कार्बोहाइड्रेट्स को पहले जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ता है रेस्पिरेशन करने से पहले। ऐसे ही फैट्स को जो है उनका ब्रेकडाउन होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स पे, और जो फैटी एसिड है वर टू बी रिस्पायर्ड दे वुड बी फर्स्ट डिग्रेडेड इनटू एसिटाइल को ए, फिर वो एंटर कर सकता है पाथवे में। अगर हम ग्लिसरॉल की बात करें, मैंने बोला ना फैट्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में डिवाइड होगी पहले, तो ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल को एंटर होने के लिए पाथवे में आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल। देन प्रोटीन में भी ऐसे ही है, प्रोटीन को क्या करना पड़ता है, डिग्रेड होना पड़ता है पहले बाय प्रोटीएसिस और एंड द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर वो एंटर कर सकता है पाथवे एट द सेम स्टेज विद इन द क्रेब साइकिल और इवन एज ए पाइरूवेट और एसिटाइल कोए। रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स अ ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड एज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस और एंड रेस्पिरेटरी एज ए कैटाबॉलिक पाथवे, बट ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। जब ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है सिंथेसाइज करने की फैटी एसिड्स की, एसिटाइल कोए की, फैटी एसिड को सिंथेसाइज करने की, व्हेन ऑर्गेनिज्म नीड टू सिंथेसाइज फैटी एसिड, एसिटाइल कोए वुड बी विदड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट। रेस्पिरेटरी पाथवे से में से एसिटाइल कोए को निकाल लिया जाता है। देन हिंस द रेस्पिरेटरी पाथवे जो है कम इन टू द पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। सिमिलरली ब्रेकडाउन और सिंथेसिस प्रोटीन का भी होता है, जैसे फैटी एसिड का होता है वैसे प्रोटीन का भी होगा, ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों ही है ना। और रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट है, एक फॉर्म द लिंक, इंटरमीडिएट फॉर्म द लिंक। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम कैटाबोलिज्म बोलते हैं, सिंथेसिस वाले रिएक्शन को हम एनाबोलिज्म बोलते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे में दोनों ही एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व होता है। तो इट वुड हिंस बी बेटर टू कंसिडर द रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि इसमें दोनों कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म इन्वॉल्व है, तो इसलिए इससे हम अच्छा है कि हम इसको क्या बोलें, दोनों को साथ में रेस्पिरेटरी पाथवे को एज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। तो क्लियर है, यहाँ पे हमारा सिक्स्थ मेन टॉपिक भी फिनिश होगा।